अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आप लोग को अपने साथ लेके जा रही हूँ ग्रीन वॉक बर्लिन में, मतलब ग्रीन वॉक बर्लिन में, जो मेसे बर्लिन में लगा है। यहाँ पे काफ़ी सारे मुल्क इकट्ठा हुए हैं जो अपने ट्रेडिशंस और अपने खाने की जो है वो नुमाइश कर रहे हैं, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 17 से 26 जनवरी तक जो है ये नुमाइश लगी हुई है। यहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले तो दिल खुश हो गया इतने खूबसूरत फूल देख के, जो कि हॉलैंड वालों ने अपने तरफ से लगाए हुए थे। हॉलैंड के स्पेशल टमाटर उन्होंने रखे हुए थे, और साथ ही उन्होंने पूरी एक बेल जो है वो लगाई हुई थी टमाटरों की, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पे तरह तरह के शहद पड़े हुए हैं जो कि आप खरीद भी सकते हैं और आपको सैंपल टेस्ट करने के लिए भी मिलेंगे। ये मोरक्को का स्टॉल है, उन्होंने गुलाबी अर्क और खुश गुलाब रखे हुए हैं। ये मोरक्को वालों ने अपने मसाले वगैरह रखे हुए हैं। और ये सारा चीज़ है जो इतना मज़े का था, हमने सारा टेस्ट किया काफ़ी क्रिस्पी स्पेसेस जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये जर्मन्स हैं और क्रिसमस ट्री के सूख जाने के बाद उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम जिससे लस्सी बनाते हैं कुछ वैसा बना रहे हैं। यहाँ पे ये प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीसेस मिल सकते हैं जो आप ले सकते हैं। ये जर्मन्स का जो पुराने जमाने का ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है। यहाँ पे फ्रेश गन्ने का जूस अवेलेबल था, इसको देख के तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई और सारी पाकिस्तान की यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। जर्मन्स के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है ब्रेड्स की, तो वो उन्होंने रखे हुए थे टेस्ट करने के लिए भी और ख़रीदने के लिए भी। यहाँ पे इन्होंने जर्मनी के देहाती इलाकों के जो जानवर हैं जैसे गाय, बकरियाँ और घोड़े वगैरह, वो सब रखे हुए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत खुश हो रहे थे, बच्चे क्या बड़े भी बहुत खुश हो रहे थे जानवरों को देख के।
यहाँ पे ये औरतें बैठ के धागा बुन रही थी ऊन से, और साथ आयत को भी उन्होंने एक धागा दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के उन्हें, बहुत ही पेशेंस का काम है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, जब हम जानवरों के सेक्शन से निकले तो इन्होंने ये डिसइन्फेक्शन स्प्रे लगाया हुआ है जिसके नीचे सेंसर है और आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ बर्गर्स मिल रहे थे 12 सिंगे के गोश्त के, दैट वाज इंटरेस्टिंग। पे हम आए ट्यूनीशिया के स्टॉल पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कलरफुल था। इनके ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म के जो लैम्प्स होते हैं, उन्होंने हर तरफ उसे डेकोरेट किया हुआ था, और साथ ही उन्होंने इतने खूबसूरत खूबसूरत बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो हैं इतर रखे हुए थे, जो जो भी आपका दिल करे, जितनी दफ़ा मर्जी आपका दिल करे आप टेस्ट कर सकते हैं, और फिर जो आपको पसंद आए वो आप खरीद भी सकते हैं। लास्ट में जो है हम फूलों के पास गए, और इतने खूबसूरत खूबसूरत तरह के इन्होंने फूल लगाए हुए हैं, पूरा बागीचा बनाया हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुशबू थी, बहुत ही अच्छी खुशबू थी, और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस पार्ट में स्पेशली। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग जो है ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।